Hello friends, welcome back to video lecture of fluid mechanics. इसमें हम देखेंगे viscosity और dynamic viscosity. तो viscosity क्या होता है? It is defined as the resistance offered to a layer of fluid when it's move over another layer of fluid. और therefore rate of shear stress is directly proportional to the velocity gradient. रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस होता है टाउ और वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है अपना डी यू अपॉन डी वाई. तो इसका जो फॉर्मूला होता है डायनामिक विस्कोसिटी का वो होता है टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई. तो यहाँ पे हमारा जो डी यू अपॉन डी वाई वो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है और जो म्यू होता है वो होता है डायनामिक विस्कोसिटी. अगर यहाँ से हमें म्यू बाहर निकालना है तो म्यू आ जाएगा हमारा टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई. और विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और एक आपको ये याद रखना पड़ेगा हमें न्यूमेरिकल में जो दिया रहता है वो पॉइस में आता है. न्यूमेरिकल में जो हमें वैल्यू दी रहती है वो पॉइस में दी रहती है. तो हमें उसको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो कैसे करेंगे? जो भी हमें पॉइस में दिया रहेगा हम लोग सीधा उसको इंटू वन अपॉन टेन करेंगे. जैसे हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइव पॉइस, तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? फाइव इंटू वन अपॉन टेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे. अब देखते हैं काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. काइनेमिक विस्कोसिटी इससे डिनोट करते हैं वी के जैसे रहता है ये, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम अच्छे से, ऐसे करके आता है ये. काइनेमिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. डायनामिक विस्कोसिटी अपना म्यू होता है और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है रो. तो इसका मैथमेटिकली ऐसे आता है म्यू अपॉन रो. और इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. और अगर क्वेश्चन में हमें स्ट्रोक में दिया रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन में वैल्यू हमें स्ट्रोक में दी रहेगी तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करेंगे अगर हमें स्ट्रोक में दिया रहेगा तो. और पॉइस में दिया रहेगा तो मैंने आपको यहाँ पे बताया पॉइस में कुछ भी वैल्यू दी रहेगी तो उसको सीधा सीधा इंटू 1/10 करेंगे, और स्ट्रोक में दिया रहेगा तो इंटू 10 रेज टू माइनस 4 करेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अब आता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी. न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? इट स्टेट्स दैट द शेयर स्ट्रेस इन द फॉलोइंग फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन. जो शेयर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं. तो यहाँ से टाउ इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी वाई. तो ये होता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी. अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड में. तो यहाँ पर हमारे पास पांच टाइप के फ्लूइड होते हैं. फ्लूइड आर क्लासिफाइड इनटू फाइव टाइप्स: आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनिक फ्लूइड, नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड. तो पहला देखते हैं हम आइडियल फ्लूइड जो होता है. आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है और उसमें विस्कोसिटी जीरो होता है. लेकिन आप इसको हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ए फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इन विच वेलोसिटी इज जीरो. बस इतना याद रखिए फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है और उसका वेलोसिटी है जीरो, ये होता है आइडियल फ्लूइड. और रियल फ्लूइड में उसका उल्टा होता है. फ्लूइड तो इनकम्प्रेसिबल ही होता है लेकिन वहाँ पे वेलोसिटी प्रेजेंट रहता है रियल फ्लूइड में. और न्यूटोनिक फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है? ए फ्लूइड इन विच शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट की जगह हम शेयर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं. न्यूटोनिक फ्लूइड, ए फ्लूइड इन विच शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेन. और नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड जो होता है वो होता है ए फ्लूइड इन विच शेयर स्ट्रेस इट नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल नहीं रहता है उसमें. और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड जो होता है उसमें क्या है? ए फ्लूइड इन विच शेयर स्ट्रेस इज मोर देन इट्स यील्ड वैल्यू, बस इतना याद रखिए और आगे की जरूरत नहीं है.
एंड इन विच शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन. लेकिन डेफिनेशन में इसकी हमें जरूरत नहीं, हम आइडियल प्लास्टिक का डेफिनेशन सिर्फ इतना लिख सकते हैं, ए फ्लूइड इन विच शेयर स्ट्रेस इज मोर देन इट्स यील्ड वैल्यू. सो फ्रेंड्स, अब इसी के ऊपर हम अभी काइनेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.